व्लॉग्स बनाते हैं, इनको फॉलो मत किया करो। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इस टाइम रेडी। बहुत ये मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और इस टाइम आप मुझे देख रहे होंगे, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ और कज़न का निकाह है फाइनली, तो वो अटेंड कर मैं एक दिन इस्लामाबाद रहेंगे और कल संडे को निकाह अटेंड करके हम निकल आएंगे। तो इन पूरे 24 आवर्स में मेरी क्या रूटीन रहती है इस्लामाबाद में, क्या चीज़ें ट्राई करता हूँ खाने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, आप लोगों से मिलते हैं इस्लामाबाद पहुँच के। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आफ्टर द होल डे ड्राइविंग करके बहुत बुरा हाल हो गया इस्लामाबाद में, आज बहुत ट्रैफिक थी क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से क्रश होकर ग्राइंड होकर अपनी डेस्टिनेशन में बहरिया टाउन फेज़ 3 पहुंच चुके हैं। तो आज और कल के लिए जो हमने अकोमोडेशन ली है बहरिया टाउन फेज़ 3 में, तो वो मैंने व्लॉग में अभी आगे आपको दिखाऊंगा वो। तो इस टाइम मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, अपना सामान वगैरह रख लिया है और अब बस रिलैक्स होना थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं, ऑलरेडी घर में भी मैं नहीं सोया था और सोए बगैर ड्राइव की ऑल द वे लाहौर से इस्लामाबाद तक, और ट्रैफिक भी देखी। फिर आप लोगों से मिलेंगे, कज़न की अभी ढोलकी शोलकी भी होनी है, उसके बाद कुछ खाने के लिए निकलूँगा, देखते हैं सारी रूटीन कैसे गुजरती है, वो आप लोग साथ ही हैं, आप लोगों से मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। लेट्स गो, चलें अब गेस्ट हाउस देखते हैं कि कैसा है। हेलो, अब जी अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि क्या करना है। इस टाइम आपका भाई खाने की तलाश में बहरिया टाउन रावलपिंडी में निकला है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ के ना रस्तों का पता है ना रेस्टोरेंट का पता है, बस गूगल मैप लोकेशन लगाई और निकल पड़ा हूँ। तो वो देखते हैं अब कहाँ जाके स्टॉप लेते हैं, मेरा भूख बहुत डाडी लग रही है, उम्मीद है कि कोई अच्छा खाना फाइनली इस्लामाबाद से मिलेगा। इस टाइम जी मैं मंजूस पे आ चुका हूँ और इनकी काफ़ी तारीफ सुनी है, तो अंदर चल कर देखते हैं कैसे। इस टाइम जी मेरा अरेबियन शॉर्मा तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं गरम गरम चिकन कट के गिर रहे है। ये बेसिकली लोकेट कर रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ 3 सिविक सेंटर के बिल्कुल पास। मंजूस का कंप्लीट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। मैं अभी खाना खा कर आया हूँ, द टेस्ट वॉज सो गुड। मैंने लाहौर में भी अरेबियन शॉर्मा ट्राई किया है, लेकिन यकीन मानिए मुझे मंजूस जैसा अरेबियन शॉर्मा नहीं खाने को मिला। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये क्या खा रहे हैं बच्चे? पूरा पूरा डब्बा है कि बच्चे ने खाया है? नहीं नहीं, आधा आधा। हम तो आधा खाए हैं। तुम तो लगता ही नहीं शक्ल से आधा खा सकते, तुम तो पूरी देख खत्म करती हो, तुम तो पूरी देख खत्म करती हो। और ये आधी क्या खाया तुमने? डाइटिंग पे हो? फ्लाइंग किस दे दे वैसे ही। ये ना मेरे जो मामू है ना, इतने बुरे व्लॉग्स बनाते हैं, इनको फॉलो मत किया करो, आप ना मुझे फॉलो करो मेरी आईडी को। क्यों जी, आपको क्यों? मैंने आपको वीडियो आपकी इसलिए बनाई ताकि आप मैसेज दें कि मेरे मामू के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी बुराई कर रही हैं। मैं तो करूंगी। क्यों? मेरी मर्जी।
सही है खा खा कर माशाल्लाह आप मोटी होती जा रही है। जी हैदर भाई डाइटिंग को खैर बात कहते हुए पकड़े गए हैं। हैदर भाई पुलाव खा रहे हैं, जो कि दो दिन पहले ब्रेड भी नहीं खाते थे। हैदर भाई ये क्या हुआ है? उनके साले की शादी है, एक्सक्यूज। ये क्या हुआ है भाई? थैंक यू। हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो? देखो उसके बाद आज का नाम आज साइकिल जो है वो 25 से 30 हजार ठीक है, क्योंकि चाइना ने वो मार्केट खत्म की और अब मार्केट चाइना की, हमारी इंडस्ट्री जीरो कर दी। बात और उसके बाद ये भी है, देखे वो इंडिया है ना। इस टाइम जी हम सारे जा रहे हैं हसन की ढोलकी पर। फ्रेश हो चुका हूँ, मुहात वगैरह धो लिए, कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि आके अभी बात लेना है, फिर कपड़े चेंज करूँगा एक दफ़ा ही निकाह के लिए। तो अभी मुझे भूख काफ़ी लग रही थी, नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। देखिए जी बात ये है कि आज हमारी अवान फैमिली का इफ्तार एक ही दिन है। चलो तुसी बोल लो, तुसी बोल लो, वो दा कसूर नहीं ना किरण दा, वो थोड़े को सीखी गल कुछ गल कट देना आज का जो दिन है वो हमारी अवान फैमिली का एक तारीखी दिन है। माशाल्लाह हम आज सब यहाँ पे हिंदी में देखिए जी आज माशाल्लाह हमारी अवान फैमिली का एक तारीखी दिन है। हम तमाम मेरा देख लोगे मैं कितना कमजोर आदमी हूं, जिन्हें बोलने नहीं देता जा रहा। चले जी आप बताए आपको। देखे जी बत्ती जला दो और लग गया जे, टिश्यू पेपर का डब्बा लिया दो, इस तरह कर दे, उसके बाद अगली मेरी बात। मैं आपको दादा से टुडे इज ए हिस्टोरिकल डे in the history of our Awan family when all the members are here in Rawalpindi Barrier Town in connection with the nikah ceremony of our most loved son Hasan Ismail son of Salim Abdullah bhai. आज शाम को माशाल्लाह निकाह की सेरेमनी है, अल्लाह ताला करे सब खैरियत से हो। और नॉट दिस इज ए हिस्टोरिकल डे बट इट इज गोइंग टू बिकम a very important day in our family. Milestone जी, और अल्लाह ताला करे कि सब खैरियत रहे और आने वाले दिनों में शान का भी और बाकी बच्चों का भी, अल्लाह ताला करे कि ये दिन आए और हम खुशियां देखें और इस तरह पर हम लोग सब सारे फिर इकट्ठे होते रहे। उस तो बात का दिखावा ने तो नहीं, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन
वो मैंने कहा था मैंने ये हसन की मंगनी पे पहने वरना मैंने नहीं पहने। ऐसे नहीं होगी मंगनी लेट हो कसम से मैं आज वो पहने और वो मुझे नहीं भाभी ने मेरे ड्राइवर की शादी पे दी ये वो जो इस बार भी लव मी लव मी इस टाइम जी हम दूल्हे मियां की स्टाइलिंग करवाने आए हैं। देखे प्यारे लगते हैं स्टाइलिंग के बाद भी के नहीं। लेट्स चेक इट आउट। हसन जब तक स्टाइलिंग करवाता है तब तक मैं मसाजर सोफा पे बैठकर रिलैक्स करता हूँ। ये जी हसन की प्री निकाह की खुशी में मिठाई और मुझे इसमें से सिर्फ लड्डू पसंद है और मैं लड्डू खाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई रेडी हो चुका है और आज हसन का निकाह है। हसन के निकाह की तैयारी फुल जोरों पे। अभी हम हसन के निकाह पे जाएंगे। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सब रेडी हो गए ऑलमोस्ट, तो बस गाड़ियों में बैठते और निकलते हैं और वेन्यू में पहुंच के देखते हैं क्या होता है। फाइनली जी हम वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। कैसा चल रहा है फिर? आप बताइए एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद? नहीं जी मजा नहीं आ रहा तो। इस्लामाबाद का बहुत ज्यादा बहुत यहाँ के जो लोग हैं ना नो इमोशन आपका इंटरेक्शन अच्छे लोगों से नहीं मेरा इंटरेक्शन काफी लोगों के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ तो लाहौर लाहौर है वो सही लाहौर तो लाहौर है लेकिन इंशाल्लाह आज आज वापस लाहौर जाएंगे या रहेंगे नहीं यार आज वापस लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह फिर आपसे लाहौर जाके मुलाकात ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजलिस को कबूल कर लिया जी खुशी मोहम्मद वाली वफादी अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन सुमा आमीन या रब। मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो बहुत बहुत भाई यार बंदा बखान तो शायद इसी वजह तो मैं मशहूर हो गया। आपको भी बहुत बहुत ये मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए ऐसे। चले आप मुबारक करें जी।
अस्सलामु अलैकुम एंड मेरा इस्लामाबाद का ट्रिप फाइनली ख़त्म हुआ है और मैं आज घर पहुंचा हूं। इस टाइम सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ऑल द वे ड्राइव की है, नींद भी फुल चढ़ी हुई थी इसलिए फुल थकावट हुई हुई है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत बुरी हालत हुई हुई है। तो आप लोगों ने पीछे व्लॉग में सब कुछ देखा, तो वो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। तो मेरी व्लॉग्स को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और कोई सजेशंस हो तो वो लाजमी दिया करें कमेंट्स में। नाउ सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।